हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। और आज मैं आपके लिए फिर से एक 2D कैट की एक 2D प्लान लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बताता हूँ आपको इस प्लान में क्या है। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं। ये एक इस साइड से फेसिंग प्लॉट है जो यहाँ से स्टार्ट होता है। वेस्ट साइड फेसिंग प्लॉट है जिसका साइज़ है 29 फिट बाय 3 इंचेस बाय 55 फिट 10 इंचेस। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट होता है। ये एरिया हमने पूरा छोड़ा है इसमें कार पार्किंग के लिए। आराम से आप एक कार पार्क कर सकते हो इसमें और एक बाइक को पार्क कर सकते हो। ठीक है, ये हमने एक विंडो दी है इसमें। ये एक बेडरूम की विंडो है। तो हम इधर से शुरू करते हैं। ये एक बाहर का एक छोटा सा एरिया है जो हमने एक बैठने के लिए लोगों के, जैसे लोग अपनी बाहर टेबल या चेयर्स लगा लेते हैं और वो लगा के बैठ जाते हैं, तो उसके लिए हमने एक छोटा सा एरिया बाहर दिया हुआ है जिसका साइज है 11 फिट बाय 8 फिट 7 इंचेस। ठीक है, यहाँ से हम अंदर आते हैं तो ये 3 स्टेयर्स हैं, उससे हम अंदर आते हैं। तो सबसे पहले हमारा पड़ता है एक हॉल जिसका साइज है 16 फिट बाय 17 फिट। आराम से हमने यहाँ पे एक सेवन सीटर सोफा लगा के दिखाया है, एक टेबल लगा के दिखाई है। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा एरिया है। ये पीछे इसके दो विंडोज आ जाएंगी। ये ठीक है, इसी के पास में हम चलते हैं तो हमारा आता है हमारा पहले पूजा रूम। ठीक है, ये हमारा पूजा रूम आ जाएगा जिसका साइज़ है 5 फिट बाय 8 फिट। इसके लिए बाहर से हमने, आप ऊपर से एक OTS भी दे सकते हो या फिर बाहर से आप एक इसके लिए विंडो भी दे सकते हो। ठीक है, इसके साइड में से चलते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा एक बेडरूम। काफ़ी अच्छा बेडरूम है, काफ़ी बड़ा बेडरूम है जिसका साइज है 11 फिट बाय 17 फिट। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमने बेडरूम लगा के दिखाया, उसके बाद भी इसमें काफ़ी जगह है। तो आप यहाँ पे अपना वार्डरोब बना सकते हैं। इसके लिए ये हमने विंडो दिया है। यहाँ आप मिरर लगा सकते हैं इस साइड में, यहाँ आप सिटिंग कर सकते हैं, ये एक विंडो है। या यहाँ फिर आप टेबल लगा सकते हैं पूरा। यहाँ आप अपना TV यूनिट लगा सकते हैं। यहाँ पे भी आप अपना टेबल वेबल कुछ भी लगा सकते हैं। एक काफ़ी बड़ा एरिया है इसमें। इसी के साथ एक अटैच इसमें टॉयलेट दिया गया है जिसका साइज है 7 फिट बाय 7 फिट 6 इंचेस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा टॉयलेट दिया हुआ है इसमें जो आप यूज में ले सकते हैं। अब देखते हैं, तो यहाँ से आती है हमारी स्टेयर्स। यहाँ से स्टेयर्स अंदर से ही इसमें स्टेयर्स दी गई है। आप चाहें तो ये स्टेयर्स बाहर से भी दे सकते हैं, यहाँ बाहर कार पार्किंग वाले एरिया में आप चाहें तो। अगर आप चाहते हैं ऊपर का एरिया जो आपका फर्स्ट फ्लोर है वो आप रेंट पे देना चाहते हैं तो वो भी आप रेंट पे दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप ऊपर स्टेयर्स पे जा सकते हैं। यहाँ आता है हमारा एक स्टोर रूम। स्टोर रूम का साइज है 7 फिट बाय 5 फिट 5 इंचेस। ओके, ये काफ़ी अच्छा स्टोर रूम है, काफ़ी बड़ा है स्टोर रूम, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। फिर आती है हमारी किचन। किचन भी हमारी काफ़ी बड़ी है, 11 फिट बाय 11 फिट 3 फिट का इसका एक पूरा स्लैब है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये हमारा फ्रिज रखने के लिए एरिया है। ये हमने थोड़ा सा ओपन किया हुआ है, आप देख सकते हैं ये पूरा ओपन एरिया है जो डाइनिंग से, डाइनिंग रूम जो है वो उससे मिलता है। अगर आप चाहें तो इस दीवार को पूरा बंद करा के यहाँ एक बेडरूम भी बना सकते हैं, एक छोटा बेडरूम किड्स के लिए आप चाहें तो उसको बना सकते हैं। और आप देखें तो स्टोर रूम की जगह है, आप अगर चाहें तो इस साइड में अपना बेडरूम ले सकते हैं। ये जो किचन की साइड है इधर आप अपना बेडरूम ले सकते हैं और इधर एक अटैच वॉशरूम बना सकते हैं और अपना किचन जो है वो इस साइड में ले सकते हैं, ये साइड। ये भी पूरा सही रहेगा अगर आप किचन भी यहाँ ले लें, किचन यहाँ ले लें और बेडरूम यहाँ ले लें। बेडरूम की साइड अगर आपको स्टोर रूम का रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप स्टोर रूम को हटा के यहाँ पे एक वॉशरूम बना सकते हैं आराम से, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। ये भी मैंने आपको बता दिया है। अगर आप चाहें तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। इसी का मैं, इसी साइज़ का एक दूसरा प्लान भी आपके लिए तैयार कर सकता हूँ जिसमें यहाँ मैं आपके लिए बना के दे सकता हूँ पूरा एक बेडरूम, एक किचन मैं यहाँ पे आपके लिए बना के दे सकता हूँ और यहाँ मैं आपके लिए बना दूंगा एक
बेडरूम, जिसमें यहाँ एक अटैच टॉयलेट आ जाएगा। आप चाहें तो टू गेट्स रख सकते हैं इस टॉयलेट के, ताकि यहाँ वाला आदमी भी जा सकते हैं और यहाँ वाला आदमी भी जा सके। ठीक है, तो ये था हमारा प्लान जिसका एरिया है 16x30 square feet का। तो थैंक यू, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। कोई भी अगर गलती लगी हो या शिकायत भी करनी हो या कुछ भी हो, कोई भी क्वेरी हो जो आपको पूछनी हो, वो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।